नमस्कार दोस्तों, तो रिसेंटली तो हमने देखा है कि गैलेक्सी M42 5G इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। उसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है 20,000 रुपये और उसमें हमें मिल रहा है HD+ डिस्प्ले और 48 MP क्वाड कैमरा सेटअप। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर सैमसंग हमसे 3 या 4,000 रुपये ज़्यादा लेता, लेकिन अगर HD+ के बजाय फुल HD+ डिस्प्ले देता और 48 MP क्वाड कैमरे के बजाय अगर 64 MP कैमरा देता तो सबसे अच्छा होता। तो यही रीज़न की वजह से अब सैमसंग इंडिया पर लॉन्च करने वाला है गैलेक्सी A52 5G स्मार्टफोन, जिसमें सभी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको इस गैलेक्सी A52 के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट जन पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट जन का सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो हम बात करेंगे इसका डिजाइन कैसा होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही दरअसल गैलेक्सी A52 5G का डिजाइन, जो कि रिसेंटली सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.4 mm और इसका वेट होगा 187 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में हमें मिलेगा 6.5 इंच फुल HD+ TFT LCD डिस्प्ले। इसके डिस्प्ले का प्रोटेक्शन होगा गोइला ग्लास 5। इसमें आपको 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर होगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें, आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। कैमरे के हिसाब से आपको मिलेगा 64, 12, 5 और 5 MP का बैक कैमरा, उसके साथ 32 MP का फ्रंट कैमरा। ये वाला स्मार्टफोन दो वेरिएंट पे इंडिया पे लॉन्च होगा, 6 120GB और 8 120GB। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 2.1। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम का स्लॉट ही देखने को मिलेगा। अगर बैटरी के बारे में बात करें, आपको इसमें मिलेगा 4500 mAh बैटरी, उसके साथ 25W का फास्ट चार्ज और जो कनेक्टिविटी वो होगा USB Type-C। ये वाला स्मार्टफोन जब डेब्यू करेगा हमें मिलेगा एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स विथ वन UI वर्जन 3.1। तो अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला स्मार्टफोन कब आने वाला है, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है कि मे महीने के आखिर पे ये वाला स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, इसका 6 120GB वेरिएंट का इंट्रोडक्टरी प्राइस होगा 22,000 रुपये के आसपास और इसका जो 8 120GB वेरिएंट उसका प्राइस होगा 24,000 रुपये के आसपास। अब देखिए, इस वीडियो के नीचे मैं मेरा ओपिनियन देना चाहूँगा। अगर हमें 20,000 रुपये पे वो गैलेक्सी M42 मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही फालतू स्मार्टफोन है, अगर उसके बजाय सैमसंग हमसे 4,000 रुपये ज़्यादा चार्ज करता है और हमें HD+ डिस्प्ले के बजाय फुल HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, 48 MP क्वाड कैमरे सेटअप के बजाय अगर 64 MP कैमरा सेटअप प्रोवाइड करता है, तो मैं 100% सैमसंग के ये जो गैलेक्सी A52 वाला स्मार्टफोन आने वाला है, मैं इसे प्रेफर करना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, गैलेक्सी A52 5G का मेन स्पेसिफिकेशन है कि इसका सर्विस प्रोवाइडर है सैमसंग और सैमसंग हमें दे रहा है स्नैपड्रैगन 750G वाला स्मार्टफोन। और ये वाला स्मार्टफोन जब 25,000 के अंदर लॉन्च हो जाएगा, तो ये 25,000 के अंदर आने वाला तीसरा ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड होगा जो कि हमें स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा। वैसे अभी आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए आपको इसके बारे में क्या कहना है, मतलब जब सैमसंग ये वाला स्मार्टफोन 22,000 से 23,000 रुपये के अंदर इंडिया पे लॉन्च करेगा, तो क्या आप इसे चूज करना चाहेंगे या फिर उस प्राइस रेंज में अवेलेबल Mi 10i आप उसे चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।